गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे हम, पाचन तंत्र को। जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है, जो टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक में आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे छोटी आंत। छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे, छोटी आंत बड़ी आंत उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले छोटी बात आंत की बात करते हैं। छोटी आंत को एक नाम और दिया गया सूत्रांत। क्या कहा गया? सूत्रांत कहा गया। ठीक है, सूत्रांत यानी छोटी आंत के तीन भाग बताए हमने। कितने? तीन भाग। चित्र द्वारा सुनिए यहाँ पर पहले। यहाँ पर ये देखिए चित्र द्वारा मैं समझा रहा हूँ आपको ये चीज। देखिए यहाँ पर ये जो भाग है वो तो आप जानते ही क्या है, आमाशय। ठीक है, स्टमक। ये जो आमाशय है, आमाशय के बाद वाला जो भाग है जो मैंने कल बताया था आपको, ये उल्टे यू के आकार का। कैसा? जो उल्टा यू होता है ना, इस तरीके का उल्टे यू के आकार का जो भाग है इसको अपन कहते हैं ग्रहणी। क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी इसको इंग्लिश में ड्यूओडेनम कहते हैं। और ये जो ग्रहणी है, ये ग्रहणी उल्टे यू के आकार की है। और ये इधर से यहां पर आपका आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिसको अपन कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं? लीवर, यकृत, वो है यहां पर। ठीक है, ये जो लीवर है, ये लीवर के नीचे की तरफ कुछ यकृत वाहिनियां निकलती है। ठीक है, और ये यकृत वाहिनियां जो है वो एक छोटी सी थैली से जुड़ी हुई है। और उस थैली से कुछ वाहिनियां जो निकलती है वो पित्त वाहिनियां जो है वो कहां पर जुड़ी हुई है? इस ग्रहणी से जुड़ी हुई है, ग्रहणी के अगले मुंह से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये थैली तो आपको दिख रही है। इस थैली को कहते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं? पित्ताशय। इंग्लिश में क्या कहते हैं? गाल ब्लैडर। तो ये पित्ताशय जो है, गाल ब्लैडर जो है, इसमें एक रस भरा रहता है। इस रस को कहते हैं पित्त रस। क्या कहते हैं? पित्त रस, या फिर इसको बाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइल, पित्त। ठीक है ना। अब यहां पर पित्त रस जो है वो पित्ताशय में भरा रहता है, लेकिन ये पित्ताशय, पित्ताशय का मतलब पित्त प्लस आशय। यहां पर आशय का मतलब होता है रहने का स्थान, घर। ठीक है, और पित्त का मतलब यहां पर बाइल से। तो ये पित्त जो है जिस जगह पर रहता है उसे पित्ताशय कहते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि पित्ताशय यहां पर रहता जरूर है, इसमें भरा जरूर रहता है, लेकिन पित्ताशय का निर्माण यहां नहीं होता है। पित्त रस का निर्माण है वो यहां होता है यकृत के अंदर। इसके अंदर होता है यकृत के अंदर। तो कभी कभी प्रश्न बनता है कि पित्त रस का निर्माण कहां होता है, तो बच्चे ज्यादातर पित्ताशय से पित्त को जोड़ करके लिख देते हैं कि पित्ताशय में होता है, लेकिन नहीं, पित्ताशय में पित्त रस जो है वो इकट्ठा होता है, लेकिन इसका निर्माण जो है वो यकृत में होता है। यकृत एक ग्रंथि है, जब अपन ग्रंथियां पढ़ेंगे तब यकृत के बारे में विस्तार रूप से मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी ग्रंथि किस तरीके से, कितने पानी भरी हुई है, किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, इसके बारे में चर्चा अपन जब अपन ग्रंथियां पढ़ेंगे, जो पाचन तंत्र संबंधित जो ग्रंथियां उनके बारे में चर्चा करेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, इसके इस तरफ ग्रहणी के इस तरफ एक और ग्रंथि है जो पत्ते के आकार की है, और इस ग्रंथि के बीच में इस तरीके से कुछ नलिया पाई जाती है। ठीक है ना, तो इसके बाहर वाला भाग जो है, मतलब टोटली इसको अग्नाशय कहते हैं, लेकिन इसका बाहर वाला भाग जो है वो एक बहिस्त्राविक ग्रंथि के रूप में काम करता है, और इसका अंदर वाला भाग जो है अग्नाशय का वो अंतःस्राविक ग्रंथि के रूप में काम करता है। ठीक है, तो अग्नाशय दो प्रकार की ग्रंथि होगी। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। मिश्रित ग्रंथि कहते हैं इसको, इसीलिए मिक्स्ड ग्लैंड।
क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, यहां पर अंतःस्रावी और बहिःस्रावी को इंग्लिश में एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन कहते हैं। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार से काम करती है, इसीलिए इसे मिक्स ग्रंथि कहते हैं या फिर विशेष ग्रंथि कहते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में चर्चा अपन आगे जब ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे तब करेंगे। इससे आगे अपन बात करें तो यहां पर जो पित्तरस है वो घड़ी से पित्ताशय द्वारा जुड़ गया है, यकृत वाहिनी द्वारा। ये यकृत वाहिनी जो है, यकृत वाहिनी द्वारा जो पित्तरस है वो पित्ताशय से निकल करके यकृत से निकल करके पित्ताशय में इकट्ठा होता है, और पित्त वाहिनी द्वारा ये कहां मिल जाता है? भोजन में मिल जाता है। कहां पर? ग्रहणी के अंदर, क्योंकि पित्ताशय से ग्रहणी पित्त वाहिनी जो है वो ग्रहणी से जुड़ी हुई रहती है। अब ये पित्तरस जो होता है इसकी प्रवृत्ति जो होती है, पित्तरस की प्रवृत्ति जो होती है वो कैसी होती है? क्षारीय होती है, ठीक है। इसका पीएच जो है वो 7 से ऊपर होता है। क्या होता है? 7 से ऊपर। तो पित्तरस का पीएच जो है वो 7 से ऊपर होता है, इसलिए इसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। और आप लोग ये देखिए कि जब भोजन आमाशय में था तब जो भोजन की प्रकृति थी, जो उसका नेचर था, वो कैसा था? एसिडिक था, अम्लीय था। क्योंकि आपको पता है जठर रस का पीएच होता है वो कितना होता है? जठर रस का पीएच होता है 1.2 होता है, जो एक अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। लेकिन जैसे जैसे भोजन जो है वो ग्रहणी में प्रवेश करता है तो ग्रहणी में उस भोजन के साथ में पित्तरस मिलता जाता है, और पित्तरस जो है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो इसकी वजह से धीरे धीरे भोजन जो कहां से? आमाशय में से शुद्रांग के अंदर, ग्रहणी के अंदर प्रवेश करता है तो वो कैसा होता जाता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता जाता है, ठीक है। तो भोजन यहां पर कैसा था? अम्लीय था, कहां? आमाशय में। लेकिन जैसे भोजन छोटी आंत में जाएगा तो उसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। फिर अगर पर बात करें तो देखिए यहां पर आगे की संरचना में बनाऊ तो ये जो आपको दिख रहा है, आपको ये लंबी संरचना नजर आ रही है ना, अपने ये लंबी संरचना जो है इसे अपन छोटी आंत कहते हैं, ठीक है, शुद्रांग कहते हैं। तो शुद्रांग के 3 भाग होते हैं, कितने? 3 भाग। शुद्रांग के कितने भाग हो गए? 3। पहला सबसे आगे वाला भाग जो यू आकार का है, यू का आकार का, जिसे अपन क्या कहते हैं? ग्रहणी, ठीक है। ग्रहणी के बाद शुद्रांग का अगला भाग आता है, इसलिए इसको कहा जाता है अग्र शुद्रांग। और लास्ट में पूरा लंबा भाग होता है, उसे अपन कहते हैं शुद्रांग। तो कितने भाग हो गए? 3, ग्रहणी, अग्र शुद्रांग और शुद्रांग। इसको ड्यूओडेनियम, इलियम और जेजुनम 3 भाग बांट गए, ठीक है ना। ये तो आपको क्या हो जाएगा? ड्यूओडेनियम, इलियम और जेजुनम। ठीक है, इस तरीके से छोटी आंत के 3 भाग हो जाएंगे। अब छोटी आंत के अंदर भोजन क्या होता है? प्रवेश करता है, तो सबसे ज्यादा भोजन का पाचन जो है वो यही होता है। सबसे ज्यादा भोजन को छोटे छोटे भागों में बांटने का काम कहां होता है? शुद्रांग के अंदर ही होता है। यहां पर छोटे छोटे भागों में बांट करके भोजन को विभिन्न प्रकार के एंजाइम यहां पाए जाते हैं। अगर हम एंजाइम की बात करें तो यहां पर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और न्यूक्लिएज, उसके बाद माल्टेज, लैक्टेज, ग्लैक्टेज, माल्टेज, ग्लैक्टेज, ग्लैक्टेज, एमाइलेज, इसके बाद लाइपेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पेप्टाइड,
कार्बोक्सीपेप्टाइड इसलिए हो गए। चलो इस तरीके से बहुत सारे मैंने आपको बताया, इनमें से देखिए ये जो होते हैं ये प्रोटीन को बचाने का काम करते हैं, ठीक है। देखो एक ये भी प्रोटीन को बचा रहा है, और एक मैंने आपको अमाशय में बताया था पेप्सिन, ये भी प्रोटीन को बचाता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि पेप्सिन जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति में काम करता है, जबकि ये जो ट्रिप्सिन और हाइमोट्रिप्सिन है वो किसमें काम करते हैं? ये क्षारीय प्रवृत्ति में काम करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैंने भी बताया आपको कि भोजन जब प्रोटीन आते जाता है तो उसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है? क्षारीय हो जाती है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो ट्रिप्सिन और हाइमोट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन की क्षारीय प्रवृत्ति में के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उनको बचाने का काम करते हैं, जबकि पेप्सिन जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति में भी क्या कर सकता है? प्रोटीन को बचा सकता है। कार्बोक्सीपेप्टाइड पेप्टाइड को तोड़ने का काम करते हैं, अमीनो एसिड्स को, ठीक है ना, प्रोटीन के जो छोटा भाग होता है अमीनो एसिड्स उनको तोड़ता है। इसके अंदर एक डाइपेप्टाइड भी आता है, डाइपेप्टाइड ये भी डाइपेप्टाइड को तोड़ने का काम करता है, अमीनो एसिड को फिर छोटे भाग में बढ़ जाता है। पेप्टाइड में अपन जानते हैं कि नाइट्रोजन बेस से बने होते हैं ये, ठीक है ना, अमीनो एसिड जो है एडेनिन ग्वानिन टाइरोसिन अमीनो एसिड जो होते हैं, तो वो क्या होते हैं, किससे बने होते हैं? छोटे छोटे अमीनो एसिड से बनते हैं, अमीनो एसिड पेप्टाइड बनते हैं, पेप्टाइड से प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे भाग में तोड़ने का काम होता है यहाँ पर। न्यूक्लियस इसमें डीएनए और आरएनए को तोड़ा जाता है, ठीक है। माल्टेज हेलिकेज ग्लूकेज ये सभी स्टार्च के अलग अलग फॉर्म को तोड़ने का काम करते हैं, ग्लूकोज स्टार्च माल्टेज माल्टोज ये सब फ्रूट के सब चीजों ये अपने फल फ्रूट से हैं, उन सब के अंदर जो अलग अलग प्रकार का ग्लूकोज होता है उसको अलग अलग तरीके से तोड़ने का काम करते हैं अलग अलग एंजाइम, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें कई प्रकार के एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्रहणी के अंदर ही जो मैंने अभी बताया आपको अग्नाशय, अग्नाशय कितने प्रकार की ग्रंथि है? दो प्रकार की है। तो इसमें जो बहिस्रावी ग्रंथि जो है वो एक रस होता है जिसका नाम है अग्नाशय रस। इस अग्नाशय रस को भी ग्रहणी में मिलाने का काम कौन करता है? ये अग्नाशय ग्रंथि मतलब यहाँ ग्रहणी में मिलता है भोजन के अंदर, अग्नाशय से ही निकलने वाला अग्नाशय रस जो है वो ग्रहणी के अंदर ही भोजन में मिल जाता है, और ये भी भोजन को बचाने का काम करता है। पाइल जो है मैं आपको कह रहा हूँ, पितरस, पितरस में कोई एंजाइम नहीं होते, ये वसा को छोटी छोटी गुलिकाओं में तोड़ने का काम करता है पितरस जो है, ताकि वसा को जल्दी से जल्दी पचाया जा सके, उसको पाचित किया जा सके। क्यों? क्योंकि पित्त जो होता है वो बड़े बड़े जो अणु होते हैं वसा के उनको छोटे छोटे भाग में तोड़ देता है ताकि उसकी सरफेस बढ़ाई जा सके, और बढ़ी हुई सरफेस के ऊपर जो एंजाइम वो काम कर सके, लाइपेज एंजाइम जो है लास्ट में जो लाइपेज है ना, ये मैंने यहां कर दिया, लाइपेज जो है वो वसा को बचाता है पेट को। तो ये लाइपेज एंजाइम उन वसा के अणुओं को पाचित कर सके, इसलिए उन वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे पार्ट में, जैसे बहुत बड़ा अणु है तो ये पितरस क्या करता है, इस बड़े अणु को छोटे छोटे अणु में तोड़ने का काम करता है, ताकि इसकी सरफेस बढ़ जाए और इस पर लाइपेज एंजाइम जो ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर सके, ठीक है, छोटे टुकड़ों में बांटता ताकि वसा को अच्छे से बचाया जा सके। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन, पितरस वसा को बचाने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें तो ये यहां पर बचने के बाद अब मुख्य कार्य जो है वो यहां पर आता है, क्या आता है देखिए यहां पर, जैसे मेरे कहने का मतलब मुख्य कार्य क्या है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना छोटी आंत, इस छोटी आंत के अंदर इस तरीके से वलन होते हैं अंदर की तरफ, जैसे मान लीजिए ये आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर की तरफ इस तरीके से वलन होते हैं, उंगली नुमा वलन होते हैं, जिनको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, एंडोसाइट्स कहते हैं, या आंत्र कोशिका कहते हैं, क्या कहते हैं, आंत्र कोशिका, ठीक है। उंगली नुमा प्रवर्धक पाए जाते हैं, ठीक है ना, उंगली नुमा मतलब इसे गोल 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 इस तरीके से उभार पाए जाते हैं, ठीक है, और ये उभार पर भी अलग अलग रूप पाए जाते हैं, ठीक है। इनको एंडोसाइटोसिस कोशिका कहते हैं, या फिर एंडोसाइट कोशिका कहते हैं, या फिर आंत्र कोशिका कहते हैं। इनका काम क्या है, इन उंगली नुमा प्रवर्धक जो पाए जाते हैं इनका काम ये है, जैसे मान लीजिए ये छोटी आंत के अंदर इस तरीके से, इस तरीके छोटी आंत है, अपन इसकी संरचना बनाते हैं, ये छोटी-छोटी आंत, छोटी आंत के ऊपर जो उभार पाया जाए, इस उभार की वजह से इसकी नॉर्मल संरचना जो है वो बढ़ करके क्या हो गई, ज्यादा हो गई,
क्योंकि अगर इस वलन को अगर अपन लंबा करेंगे तो इस बाहर वाली सरफेस से ज्यादा होगी, तो यहां पर छोटी आंत की सरफेस को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? ये वलन कर रहे हैं। और क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि जब पचा हुआ भोजन जो है, पचे हुए भोजन से जो मुख्य प्रोटीन और मुख्य पदार्थ जो है, जो पोषक पदार्थ है, उनको कहां पहुंचाना है? रक्त में पहुंचाना है। और रक्त में कहां पहुंचते हैं? इसी छोटी आंत्र के अंदर छोटे छोटे जो ये प्रवर्धक हैं और ये आंत्र कोशिका है, इनको यहां से अवशोषित करके यहां पर बहने वाली रक्तवाहिनियां जो होती है उनमें पहुंचा देते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या बनता है कि भोजन का पाचन होने के बाद भोजन हमारे शरीर में रक्त में कहां मिलता है? तो कहां मिलता है? छोटी आंत के। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखिए कि कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि भी भोजन किया तो क्या हुआ? पचा गया और मलाशय निकल के गुदा बाहर से बाहर निकल गया, तो क्या मतलब आया? तो मतलब आया क्या? नहीं आया ना। उसका मतलब कहां आ रहा है? यहां आ रहा है छोटी आंत में, कि जो वेस्टेज है वो तो मलाशय में जा रहा है, लेकिन जो उपयोगी पदार्थ है, जो पोषक पदार्थ है, उनको ये छोटी आंत के जो वलन है वो अपने अंदर अवशोषित करके इसको कहां पहुंचा देते हैं? रक्तवाहिनी में पहुंचा देते हैं। ये रक्तवाहिनी जो है वो किससे जुड़ी हुई है? छोटी आंत से जुड़ी हुई है। इस तरीके से पचित भोजन को रक्त में पहुंचाने का काम कौन करता है? छोटी आंत करती है, सूत्रांग करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पचे हुए भोजन को रक्त में पहुंचाने का काम कौन करता है? सूत्रांग करता है। तो आगे हमें तो वलन पाए जाए हैं, कि वलन के द्वारा भोजन जो है वो अवशोषित किया जाता है, पचित भोजन जो है वो अवशोषित किया जाता है और उसे कहां पहुंचाया जाता है? रक्त में पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब यहां पर बचे हुआ भोजन जो है वो तो चला जाएगा, उसके बाद बचा हुआ भोजन जो है वो कहां चला जाएगा? बड़ी आंत के अंदर चला जाएगा। दूसरी बात, एक चीज मैंने बता दी, इसकी लगभग लंबाई जो होती है वो 6 से 7 मीटर होती है। इसकी छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो 6 से 7 मीटर होती है और लगभग पूरे पाचन तंत्र की मुख से लगा करके यहां से लगा करके रास गुदा मार्ग तक जो लंबाई होती है, पूरे पाचन तंत्र की लंबाई जो है वो लगभग 11, 10.5 से लगाकर, कोई 10 भी मानता है, 10.5 भी मानता है, 11, 10.5 से लगाकर 11 मीटर तक की होती है, ठीक है। इसमें सबसे लंबा भाग जो होता है या पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग अपन कहे वो छोटी आंत होती है, जो बिल्कुल एक गुच्छे के रूप में होती है, लेकिन अगर इसको फैलाया जाए तो लगभग इसकी लंबाई जो है 6 से 7 मीटर हो सकती है, ठीक है। आगे की पढ़ाई, आगे की जो चीजें हैं वो और बड़ी आंत के बारे में और पढ़ेंगे अपन, और इसमें थोड़ी और जानकारी प्राप्त करेंगे अपन अगली क्लास में। थैंक यू।